और अब बात प्रदेश और देश में बढ़ते प्रदूषण की। प्रदेश में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब है। तकरीबन सभी जिले प्रदूषण की जद में हैं। साथ ही प्रदेश में पराली जलाने के मामले भी बढ़ रहे हैं। सूबे में पराली जलाने के 13 नए केस दर्ज हुए। इस तरह अब तक जो रिपोर्ट किए गए संख्या है पराली जलाने की, वो 713 पहुंच गई है। प्रदेश में PM10 बढ़ने लगा है। गुरुग्राम फतेहाबाद प्रदूषण की लिस्ट में टॉप पर है। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर 500 और फतेहाबाद में 416 दर्ज किया गया। वहीं पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार भी पूरी तरह सख्ती में है। सरकार ने पराली जलाने से रोकने में कोताही बरतने के मामले में 11 अधिकारियों को चार्जशीट कर दिया है। 338 अधिकारियों को नोटिस दिया है। 26 कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद पराली जलाने के मामले नहीं रुक रहे। अब तक 186 किसानों पर भी FIR हुई है, साथ ही 34 को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, उससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कैथल का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अनिल, जिस तरह से दिल्ली NCR और हरियाणा के लगभग सभी जिलों का हाल अब एक जैसा ही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा ऊपर जा चुका है, लोगों की परेशानी उतनी बढ़ गई है। फिलहाल आज की बात करें, किस तरह का माहौल है, वातावरण कैसा नजर आ रहा है? लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर साल जो है दिवाली के आसपास जैसे धान वगैरह उठता है, तो उसमें जो पराली की घटनाएं सामने आती है, और प्रशासन जो है हर बार प्रयास करता है कि जो पराली जलने की घटनाएं, जलाने की घटनाएं हैं, तो कम से कम हो। लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं जो है कमी रह जाती है। हो सकता है कि किसानों को जागरूक करने में जो है प्रशासन पूरी तरह से असफल ही रहता है, क्योंकि हर बार जो है पराली जलाने की घटनाएं आती है, जिसकी वजह से जो है प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। इस बार भी अगर AQI की बात करें, AQI जो है वो हाईएस्ट जो क्वालिटी है उसके ऊपर पहुंच चुका है, जिस वजह से जो है आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कुछ लोगों को जो है सांस वगैरह की जो दिक्कत है वो भी आ रही है। अस्पताल में जो है लगातार जो है ऐसे मरीजों की जो संख्या है उसके अंदर इजाफा हो रहा है, और प्रशासन जो है जहाँ लोगों को मतलब छुटकाने में असफल रहा है, वही जो है कुछ किसानों के ऊपर उन्होंने जुर्माना भी किया, कुछ किसानों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो है जैसे रात के समय के अंदर जो है लगातार जो है पराली जलाने की जो घटनाएं सामने आती हैं, और प्रशासन, हम ये कहेंगे कि रात के समय मूक दर्शक ही बना रहता है, कि रात के समय प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा किसी खेत में नहीं घूमता या किसी सड़कों के ऊपर नहीं घूमता, इस तरह की किसानों को समझाया जा सके। जी बिल्कुल अनिल, और यही वजह है कि सरकार भी पूरी तरह सख्ती बरत रही है ऐसे अधिकारियों पर जो काम में कोताही बरत रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, एक बार रुख करते हैं जींद का। संवाददाता सुनील पंवार वहां से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील, जींद में तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब हाल के दिनों में नजर आई है, पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा यहां पर भी बड़ा नजर आया है। फिलहाल आज की बात करें, क्या कुछ कहते हैं आंकड़े, पराली जलाने की घटनाएं कितनी ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं? जहाँ बात करें जिंद शहर की, तो जिंद शहर का पॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो दो दिन पहले यहाँ का 300 से पार पहुंच चुका था, लेकिन अभी फिलहाल आज की बात जो एयर क्वालिटी है और ऐसे में लेकर प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं जिंद शहर में ग्रेज 2 के कानून को लागू कर दिया गया है। पूरे जगह पर सख्ती बरतने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, और अधिकार कहा कि जहाँ भी आपको टायरों की फैक्ट्री दिखाई देती है तो उसको उसके ऊपर भी कड़ा एक्शन ले, और जहाँ पर ये जो टायर जलाए जाते हैं या फिर ईट भट्ठे की जो फैक्ट्री या फिर भट्ठे होते हैं उनको बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। और इसको लेकर बता दे कि आपको जब सुबह लोग जींस के जब अपने घरों के लिए निकलकर बाहर शहर के लिए निकलते हैं तो एक वातावरण में फोग छाया रहता है, जिसके कारण उनकी आंखों में जलन भी होती है और कहीं ना कहीं सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और जहां बात करें प्रशासन को लेकर, प्रशासन ने भी अभी तक जींस शहर में 51 किसानों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और 22 किसानों के ऊपर FIR भी दर्ज की गई है, और 95,000 से ज्यादा का जुर्माना भी किसानों से वसूला जा चुका है। लेकिन ऐसे में फिर भी किसान रात के समय की अगर बात की जाए तो रात के समय किसान पराली जला रहे हैं, जब किसान अधिकारियों के पास इस समस्या को लेकर जाते हैं कि उन्होंने अपने सत्र पर यह बताया कि अगर प्रशासन हमें जो जूट बनाने की जो मशीनें होती हैं अगर वो ग्रामीण स्तर पर
अवेलेबल कराई जाए तो उससे कहीं ना कहीं जो किसान है उनको राहत मिलेगी, लेकिन प्रशासन के पास इतनी मशीनें नहीं है। ऐसे में लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन और जो किसान है वो भी हमने सामने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने किसानों के प्रति सख्त रवैया अपनाया हुआ, इसके बावजूद भी रात के समय में जो किसान है वो पराली जलाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं दूसरी ओर भी एक बात देखने को मिल रही है कि जब अब जो अक्टूबर नवंबर के महीने में जो गेहूं की बिजाई करी जाती है उसको लेकर भी किसान ज्यादा जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। ऐसे में लेकर पराली की ज्यादा मात्रा होने के कारण उसको बाहर नहीं भेजा जा रहा है। ऐसे में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं किसानों की पराली लेने में भी कभी चूक दिखाई दे रही है, और ना ही पिछली बार की बात की जाए तो 1000 रुपए का जो पर एकड़ किसानों को मदद दिया जाता था पराली को लेकर वो भी अब की बार ऐसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में लेकर कहीं ना कहीं जो आगजनी की घटना है वो ज्यादा बढ़ रही है और प्रदूषण का जो स्तर है वो ज्यादा बढ़ रहा है। और अभी 4 दिन हुई बाकी है दीपावली को लेकर, ऐसे में जब पटाखे और आतिशबाजियां होंगी और दूसरी तरफ पराली का जो धुआं होगा तो उससे कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बद से बदतर होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल सुनील, सवाल काफी ज्यादा वाजिब है। अभी दीपावली को लेकर दिन है और उससे पहले अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा ऊपर बना हुआ है, जो खराब, बहुत ज्यादा खराब, गंभीर की श्रेणी है उसको भी पार कर गया है, तो निश्चित ही सवाल काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन अनिल, सवाल यह भी है कि सिर्फ पराली ही कारण नहीं है प्रदूषण को लेकर, चूंकि अलग अलग कारण बताए जाते हैं प्रदूषण होने की वजह से, मौसम में बदलाव भी कारण होता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्यों अधिकारी, जिम्मेदार कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहे। सरकार लगातार सख्ती बरत रही है, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है, कई के खिलाफ चार्जशीट है, कई को नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले को लेकर कोताही बरती जा रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, अगर कोताही की बात करें तो किसानों की जो समस्या है, किसान जो जिस तरह से हमारी बात होंगी तो उनकी जो समस्या है वो भी कुछ जाहिर दिखाई देती है। तो किसानों का ये कहना है कि पराली जो बांध है वो बांध ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई कंपनी या सरकार की तरफ से कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आता कि उनको जो है परचेज करने आ सके। दूसरी, अगर हम पॉलिसी की बात करें, सरकार की तरफ से सख्ती तो जरूर दिखाई देती है, लेकिन सख्ती के बावजूद जो है महज कुछ रुपए जो जुर्माना देकर जो है किसान को छोड़ दिया जाता है, और जो जुर्माना नहीं देता उसके ऊपर जो है FIR दर्ज की जाती है। कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है उसका खामियाजा जो है वो आमजन भुगत रहे हैं, क्योंकि अगर पॉलिसी के अंदर कुछ सुधार किया जाए और सख्ती जो है इसमें ज्यादा दिखाई मतलब सख्ती ज्यादा दी जाए तो उसके बाद जो है कुछ ना कुछ हो सकता है कि घटनाएं की कमी आपके। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो अगर देखा जाए कैसर के अंदर कुछ घटनाओं में कमी आई है, उसकी वजह से एयर क्वालिटी जो है कुछ सुधार हुआ है। लेकिन उसके बाद जो है अब जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, दिवाली के अंदर जो है पटाखे वगैरह जलेंगे, उसके अलावा जो फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं और वाहनों से लगातार निकलता हुआ धुआं जो है वो भी कहीं ना कहीं इसका कारण माना जा रहा है। अनिल, अगर कैथल जिले की बात करें तो यहाँ इस जिले में कितने अभी तक मामले रिपोर्ट किए गए हैं जो पराली जलाने से संबंधित हैं, और लोगों को परेशानियां किस तरह की सामने आ रही हैं, किन किन इलाकों में ज्यादा दिक्कतें लोग पेश आ रहे हैं? जी, अगर बात करें पराली जलने की घटना 100 के ऊपर जो है मामले सामने आ चुके हैं, तो सैटेलाइट के थ्रू रिपोर्ट आ चुकी है, और उसके बाद जो है कुछ ऐसे भी जो मामले हैं वो जो सैटेलाइट की जो रिपोर्ट है वो गलत पाई गई थी। और बात करें तो प्रशासन की तरफ से ऐसे 20 के ऊपर जो किसान है उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिन्होंने जुर्माना नहीं भरा है, और कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि अगर पिछले 2 दिनों से देखें तो 2 दिनों से प्रशासन जो है कुछ ना कुछ सुस्त नजर आ रहा है, क्योंकि पराली की घटनाएं लगातार आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही थी। बिल्कुल अनिल, सवाल यही है कि आखिरकार उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं पेश आ रही हैं। सुनील, जींद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं पराली जलाने के, ऐसे में जब पराली जलाई जा रही तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से माना जाता है आने वाले दिनों में दीपावली है, उसके बाद इसमें इजाफा होगा, इस तरह की पूरी संभावनाएं हैं, प्रशासन किस तरह से कदम उठा रहा है आने वाले दिनों को देखते हुए? जी, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने जींद शहर के अंदर ग्रेड 2 के कानून को लागू कर दिया गया है, और अधिकारियों को भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं कि इस कानून को लागू करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, और सभी कंपनियों को भी आदेश जारी किया है कि जहां पर भी डीजल का जनरेटर होता है उसको बंद कर दिया जाए, और जो फैक्ट्रियां होती है, कंपनियां होती है जहां से जो कहीं ना कहीं जहरीला धुआं निकलता है, उनको भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और बात करें जींद शहर की, तो जींद शहर के उचाणा और नरवाना के अंतर्गत मामले सामने आते हैं, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा PR की अगर बात की जाए तो PR की जो दान है उचाणा के अंदर ज्यादा होती है, और ऐसे में जो रात का समय होता है कहीं ना कहीं उस किसान उस समय का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उस समय जो सैटेलाइट है वो भी कहीं ना कहीं कम काम करता है, और अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं फील्ड में नहीं नजर आते। ऐसे में जो किसान है
वो रात के समय में जो फसल है धान के फसलों के अवशेष होते हैं उनको जलाने का काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों की अगर बात की जाए तो अधिकारी एक दो दिन से पिछले जैसे कम मामले आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी कोताही बरतने लग जाते हैं। लेकिन इसको इस कोताही का जो किसान है वो रात को जरूर फायदा उठाते हैं। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो प्रदूषण की अगर बात की जाए तो इसमें किसानों का भी थोड़ा रोल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा रोल अगर बात की जाए तो जो टायरों की जो फैक्ट्रियां होती है जिससे जहरीली गैस निकलती है वो भी ज्यादा कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक होती है। और ऐसे में जो ईट भट्ठे होते हैं और जो धान के जो बोरलर की जो मशीनें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं जो सुनील ग्रैप स्टेज टू अगर लागू है और इन चीजों पर पाबंदी है तो उसके बावजूद भी ये तमाम उद्योग कैसे काम कर पा रहे हैं, सवाल ये भी है। फिर प्रशासन के अधिकारियों से सवाल यह भी पूछा जाएगा कि अगर ग्रैप स्टेज टू लागू है, इन चीजों पर पाबंदियां हैं, तो उसके बावजूद भी ये चीजें क्यों काम कर पा रही हैं? जींस प्रशासन की बात करें तो ग्रैप टू का जरूर लागू किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूछमूछ की अगर हम बात कुछ घटना ऐसी देखी जाती है कि जहां पर कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी जारी है। और टायर की जो फैक्ट्री गांव में लगी हुई है वो इनके जीन शहर से काफी दूर होती है और वो भी एक दो जगह पर जलती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर ऐसे में प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन कड़ा रवैया सख्त अपनाया हुआ है। अगर उनको कहीं भी ऐसी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जहरीली धुआं निकल रहा है या फिर कोई और इशू सामने आ रहा तो उसको लेकर वो कड़ा सख्त रवैया अपनाते हैं और तुरंत कार्रवाई करने का कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। कार्रवाई प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर भी सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति किस तरह की है वो सभी के सामने। दिल्ली आपको लेकर चलते हैं, संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के चारों तरफ जिस तरह से प्रदूषण की मार है, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बहुत ज्यादा है, खुद राजधानी भी इससे अछूती नहीं है, तमाम इलाकों में इस तरह के हालात हैं। अभी दीपावली में एक से दो दिन का वक्त है और दिवाली के बाद ये AQI कहां जाकर रुकेगा, इसका तो अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल है अगर स्थिति अभी से इस तरह की है तो। स्पर्श, देखिए बिल्कुल अभी अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार 300 के पार बना हुआ है। हवा की जो गुणवत्ता है बेहद खराब श्रेणी में जो है बनी हुई देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हम एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से आसमान बेशक क्लियर जो है नजर आ रहा हो, लेकिन जो है जो हवा की गुणवत्ता है वो जो है लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करते हैं तो 300 के ऊपर जो जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बवाना में 363 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अशोक विहार में 358 जो है क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। इसी तरीके से जो ज्यादातर दिल्ली के इलाके हैं उनमें जो रेड कैटेगरी जिनको कहा जा सकता है उसमें जो पोल्यूशन की स्थिति है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और यही जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि किस तरीके से जो दिल्ली में दिवाली के आसपास हर साल जो दम घोटू हवा है वो जो है वापसी करती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आता है। दिल्ली सरकार जो पड़ोसी राज्य हैं मसलन हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उस पर आरोप लगाती हुई नजर आती है। हरियाणा पर पराली को लेकर आरोप लगते हुए नजर आते हैं तो उत्तर प्रदेश में डीजल बसों को लेकर जो दिल्ली सरकार है वो आरोप लगाती हुई नजर आती है। लेकिन एक कलेक्टिव जो एफर्ट्स डालने चाहिए दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए, उस तरीके के एफर्ट्स जो है नहीं देखने को मिलते हुए नजर आते। और इसी साल इसलिए हम देखते हैं कि साल दर साल जो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति है वो बेहद खराब जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। और जब भी दिवाली के आसपास का मौसम आता है तो जो पोल्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है और लोगों को जो अलग अलग समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात की जाए वो जो है बढ़ती हुई नजर आती है। डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि घरों से बाहर निकल रहे हैं तो जो मास्क है वो लगाकर निकलिए। और पोल्यूशन की स्थिति जब बेहद खराब हो जाती है तो सुबह जो जो व्यायाम होता है वो जो है ना करें, मॉर्निंग वॉक पर ना जाए, इस तरह की जो चेतावनी है वो दी जाती है। लेकिन अब चूंकि दिवाली के लिए 1 से 2 दिन का समय बच गया है और उसके बाद किस तरह की स्थिति होगी प्रदूषण को लेकर ये देखने वाली बात रहेगी। क्या प्रदूषण में कमी आती हुई नजर आएगी या फिर प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा? और जब प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा तो हम देखेंगे कि एक बार फिर से जो सरकारें हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो ठीकरा है वो फोड़ती हुई जो है नजर आएंगी। लेकिन एजेंसियां क्या काम कर रही हैं पटाखों को रोकने के लिए, क्योंकि बैन हम देखते हैं कि दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन किस प्रकार की स्थिति दिवाली पे देखने को मिलती हुई नजर आई ये महत्वपूर्ण रहेगा। स्पर्श, पिछले कुछ वर्षों में दीपावली की रात के बाद जब अगला दिन आता है तो सुबह किस तरह का माहौल होता है वो सभी लोग बखूबी समझते हैं और देखते भी हैं, बड़ा खतरनाक सा एक वातावरण दिखाई देता है।
लेकिन अभी भी स्थिति कुछ खास अच्छी है नहीं, लोग अभी भी परेशान हैं। किस तरह का बदलाव जीवन शैली में लोगों की दिखाई देता है, खासतौर पर सुबह के वक्त और रात के वक्त? देखिए, लोग अब मास्क लगाना शुरू कर गए हैं और खासतौर पर अगर हम बात करें, आज जो लोग हैं उनकी आंखों में जलन की जो स्थिति है वो जो है सुबह शाम जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है, क्योंकि जो पोल्यूशन के कण है जिसमें PM 2.5 और PM 10 की मात्रा की हम बात करते हैं, ये आसमान अगर हम दिखाएं तो ये नीला आसमान जो है नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक हल्की सी जो चादर जिसको कही जा सकती है वो आज जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है, और इसी से लोगों को अब जो दो चार है वो कहीं ना कहीं दिल्ली NCR में जो है होना पड़ता है, और इसके लिए कई प्रकार की जो समस्याएं वो उत्पन्न होती है, और खासतौर पर जो अस्थमा के मरीज हैं उनको जो है आज जो है कई प्रकार की जो सावधानियां है वो बरतनी चाहिए, ये आज जो है तमाम डॉक्टर सलाह देते हुए नजर आते हैं। लेकिन दिवाली के बाद हम देखते हैं किस तरीके से प्रदूषण में एक जो इजाफा है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। कई बार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600-700 के पार भी जो है पहुंच जाता है, तो ऐसे में भयावह स्थिति ऐसे मरीजों के लिए जो कि स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां से सामना करते हुए जो है नजर आते हैं उनके लिए जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। हालांकि रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं या फिर कहें कि रोजमर्रा के लिए जो काम करने वाले लोग हैं वो घरों से बाहर जरूर जो है निकलते हैं, लेकिन अपना ध्यान जो है रखें। डॉक्टर्स के हमेशा ये कहते हैं कि जो मास्क है वो अप्लाई करके चले, ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो इनटेक करते रहें, और यही कहीं ना कहीं जो है उपाय है बचने का प्रदूषण से। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति है उसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है, सरकारें भी जिम्मेदार हैं, और सरकारों को ये समझना होगा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर कहीं ना कहीं जो कलेक्टिव एफर्ट है वो डालना होगा, और इसी के जरिए जो है दिल्ली और NCR के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इस पर एक सवाल और आपसे, उसके बाद अन्य संवाददाताओं का रुख करें। दिल्ली सरकार ने कई अपने स्तर पर काम करने की कोशिशें की हैं, लेकिन राजनीति भी लगातार जारी है, इनका असर कुछ हुआ है ऐसा दिखाई तो पड़ता नहीं, चूंकि हर साल की स्थिति इसी तरह की है। दिल्ली में पॉल्यूशन से बचाने के लिए टावर लगाया गया, लेकिन उसकी स्थिति क्या है आज उसका कुछ अता पता नहीं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं वो अलग चीजें हैं, लेकिन वाटर गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का छिड़काव पेड़ों पर हो रहा है, ये जरूर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका कुछ बहुत ज्यादा ठोस असर पड़ता है ऐसा हो नहीं रहा। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? यमुना में झाग, जहरीला झाग, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार, तमाम तरह से परेशानियां हैं, देखिए सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, ये जो है स्थिति स्पष्ट होती है। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो हरियाणा के साथ में पंजाब का भी नाम लिया जाता था कि पराली जो है पंजाब में भी जलती हुई नजर आती है, लेकिन अब उस गोल को शिफ्ट करके हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ कर दिया गया है ये समझ आता है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकारें कुछ कदम भी उठाती है जिसमें वाटर स्प्रिंकल जो है वो सड़कों पर दिखाई देते हैं, इसके अलावा जो रेड लाइट ऑफ गाड़ी ऑन है अभियान वो आज है जो अभियान है वो आज है देखने को मिलता हुआ नजर आता है, जिसमें रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है जिसको हम कहा जा सकता है। इसके अलावा ग्रैब टू की स्थिति है जिसमें कंस्ट्रक्शन पर जो है समय समय पर रोक लगाने की कवायद जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है, लेकिन ये जो तमाम कदम है वो नाकाफी जो है साबित होते हुए नजर आते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि साल दर साल जो स्थिति है प्रदूषण की वो दिल्ली में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के तौर पर खराब, बेहद खराब और खतरनाक श्रेणी तक जो है पहुंचती हुई नजर आती है। बिल्कुल स्पर्श, एक तरफ यमुना में जहरीला झाग, दूसरी तरफ पॉल्यूशन की समस्या, दीपावली का त्योहार और उसके बाद किस तरह के हाल होंगे ये भी देखना होगा। बहरहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि दिल्ली NCR के इलाकों में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, खासतौर पर सुबह के समय और रात के वक्त। दिन में भी समस्या ज्यादा होती है, बस वो आंखों से दिखाई नहीं देती, हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स उतना ही बना रहता है।